भारतीय खेल लीग क्योंकि ये इंडिया खेल तो जरूर देखिए। मिट्टी पर लड़ते इन पहलवानों को जरा गौर से देखिए, इनका दमखम देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते ये पहलवान हर दांव पेच में माहिर हैं। अपने प्रतिद्वंदी को हर हाल में पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये पहलवान। जी हां, ये पहलवानी है, ये कुश्ती है, ये है मल्ल युद्ध, जिसे दुनिया का सबसे पुराना खेल माना जाता है। कुश्ती, पहलवानी या मल्ल युद्ध, ये वो खेल है जिसे बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है और प्रतिद्वंदी को बिना अंग भंग किए या पीड़ा पहुंचाए परास्त किया जाता है। इसका आरंभ संभवतः उस युग में हुआ होगा जब मनुष्य ने शस्त्रों का उपयोग जाना नहीं था। उस समय इस प्रकार के युद्ध में पशु बल ही प्रधान था। पशु बल पर विजय पाने के लिए मनुष्य ने विविध प्रकार के दांव पेचों का प्रयोग सीखा होगा और उससे मल्ल युद्ध अथवा कुश्ती का विकास हुआ होगा। लेकिन भारत में इस द्वंद्व युद्ध ने विशुद्ध व्यायाम और खेल का रूप ले लिया है। कुश्ती एक ऐसा खेल है जो खिलाड़ी को तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनाता है। यदि आप कुश्ती की कला के जानकार हैं तो आप कमजोर होकर भी अपने से अधिक ताकतवर व्यक्ति को परास्त कर सकते हैं। कुश्ती वो खेल है जो खिलाड़ी को तनाव भरे जीवन से मुक्ति दिलाता है। मिट्टी में एक दूसरे को चित करने की कोशिश में आप जीवन की उलझनों को सुलझाने की कला कब और कैसे सीख जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुश्ती से न केवल शरीर बनता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुश्ती में माहिर खिलाड़ी में धैर्य, अनुभवशीलता, चपलता जैसे गुणों का भरपूर विकास होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कुश्ती का विकास कब और कहाँ हुआ? क्या इस खेल का जन्म भारत में हुआ था या फिर ये कला दुनिया के किसी दूसरे देश से भारत में आई और विकसित हुई? कुश्ती के सबसे पुराने प्रमाण मिस्र में मिलते हैं। मिस्र में नील नदी के तट पर स्थित प्राचीन समाधियों की दीवारों पर मल्ल युद्ध के अनेक दृश्य अंकित हैं। उनसे अनुमान होता है कि लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र में मल्ल युद्ध यानी कुश्ती का पूर्ण विकास हो चुका था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका विकास भारतवर्ष में वैदिक काल में हुआ था। रामायण और महाभारत में कुश्ती की पर्याप्त चर्चा हुई है। रामायण से बाली सुग्रीव का युद्ध और महाभारत में भीम दुर्योधन के युद्ध का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के द्वंद युद्ध की अपनी एक नैतिक संहिता थी, ऐसा इन युद्धों के वर्णन से प्रकट होता है। उसके विरुद्ध आचरण करने वाला निंदनीय माना जाता था। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम द्वारा जरासंध के संधियों के चीरे जाने और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की निंदा की गई है। पुराणों में देखा जाए तो इस खेल का जिक्र मल्ल क्रीड़ा के रूप में मिलता है। इन उल्लेखों से पता चलता है कि इसके प्रति उन दिनों विशेष आकर्षण
और सम्मान था। विशिष्ट उत्सव प्रसंगों पर राजा लोग मल्ल युद्ध का आयोजन किया करते थे और प्रसिद्ध मल्लों को आमंत्रित करते थे। मल्ल क्रीड़ा आरंभ होने से पूर्व धनुर्यज्ञ होता था, जिसमें मल्ल लोगों को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए एक भारी धनुष की प्रत्यंचा खींचकर चढ़ानी होती थी। ऐसे ही एक उत्सव प्रसंग पर मथुराधिपति कंस ने कृष्ण और बलराम को आमंत्रित कर उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, किंतु कृष्ण बलराम ने कंस के मल्ल चाणूर और मुष्टिक को अपने मल्ल कौशल से पराजित कर दिया था। इसी प्रकार जिन दिनों पांडव अज्ञातवास में विराट नगरी में रह रहे थे, उन दिनों वहां ब्रह्मोत्सव का आयोजन हुआ था। उसमें भीम ने जीमूत नामक मल्ल को परास्त किया था। जातक कथाओं में भी कुश्ती के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उनमें अखाड़े के सामने प्रक्षकों के बैठने की जगह, उसकी सजावट, मल्ल युद्ध आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। विनय पिटक में उल्लिखित एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि स्त्रियां भी मल्ल युद्ध में भाग लेती थीं। मध्यकाल में मुस्लिम साम्राज्य और संस्कृति के प्रसार के साथ भारतीय मल्ल युद्ध पद्धति का मुस्लिम देशों की युद्ध पद्धति के साथ समन्वय हुआ। ये समन्वय विशेष रूप से मुगल काल में हुआ। बाबर मध्य एशिया में प्रचलित कुश्ती पद्धति का कुशल और बलशाली पहलवान था। अकबर भी इस कला का अच्छा जानकार था। उसने उच्च कोटि के मल्लों को राजाश्रय प्रदान कर कुश्ती कला को प्रोत्साहित किया। उसी समय से कुश्ती को राज्य संरक्षण प्राप्त होता रहा। मुगल सेनाओं में कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों का विशेष सम्मान था। दक्षिण भारत में भी कुश्ती काफी लोकप्रिय खेल था। विजयनगर नरेश कृष्णदेश राय के राज दरबार में नित्य मल्ल युद्ध का प्रदर्शन होता था। तत्कालीन अभिलेखों से पता चलता है कि पेशवा परिवार के लोग मल्ल युद्ध में पारंगत थे। थॉमस ब्राउटन नामक अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने दौलत राव सिंधिया के सैनिकों के बीच मल्ल विद्या के प्रचार का विस्तार से वर्णन किया है। कहा तो ये भी जाता है कि पेशवा काल में स्त्रियां भी मल्ल युद्ध में हिस्सा लेती थीं और वे इस कला में इतनी निपुण होती थीं कि वे पुरुषों को चुनौती देती थीं और पुरुष पराजित होने की आशंका से उनकी चुनौती स्वीकार करने में संकोच करते थे। आधुनिक समय में देशी रजवाड़ों ने कुश्ती कला को संरक्षण प्रदान किया था। पटियाला, कोल्हापुर, मैसूर, इंदौर, अजमेर, बड़ौदा, भरतपुर, जयपुर, बनारस, दरभंगा, बर्दवान, तमखुई, गोरखपुर के राजाओं के अखाड़ों की देशव्यापी ख्याति रही है। वहां कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं और इन अखाड़ों के नामी पहलवान देश में घूम घूम कर कुश्ती के दंगलों में भाग लेते और कुश्ती का प्रचार किया करते थे। भारतीय खेल लीग, क्योंकि ये इंडिया खेल है, तो जरूर देखिए।
आज भी भारत के कोने कोने में, चाहे वो छोटे नगर हो या गांव, अखाड़े पाए जाते हैं। लेकिन सफल मल्ल बनने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नियमित व्यायाम, उचित भोजन तथा कुश्ती का नियमित अभ्यास एवं विकास। कुश्ती कला में पारंगत होने के लिए एक मल्ल को चित्त निरोध मनोयोग के साथ संयम की लगातार साधना करनी पड़ती है। भारतीय पहलवान का भोजन काफी पौष्टिक होता है, लेकिन पहलवान को अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना पड़ता है। भारतीय पहलवान अधिकतर दूध, घी, बादाम जैसी चीजों का सेवन करते हैं। भारतीय कुश्ती की चार पद्धतियां हैं, जो भीमसेनी, हनुमंती, जामवंती और जरासंधी कहलाती हैं। हनुमंती कुश्ती में दांव पेच और कला की प्रधानता होती है। भीमसेनी कुश्ती में शरीर की शक्ति का विशेष महत्व होता है। जामवंती कुश्ती में हाथ पैर से इस प्रकार प्रयास किया जाता है कि प्रतिस्पर्धी चित्त ना कर पाए। उसमें शारीरिक शक्ति और दांव पेंच की अपेक्षा शरीर साधना का महत्व होता है। जरासंधि कुश्ती में हाथ पांव मोड़ने का प्रयास प्रधान होता है। कुश्ती के खिलाड़ी को यह अधिकार है कि वो चाहे तो अपने भार से एक भार ऊपर से कुश्ती लड़ सकता है। नाम के पुकारे जाने पर दोनों प्रतिद्वंदी अपने अपने कोनों में आकर खड़े हो जाते हैं। एक के पांव में लाल तथा दूसरे के पांव में हरा फीता बंधा रहता है। निर्णायक बीच में खड़ा होकर दोनों को बुलाता है। फ्री स्टाइल कुश्ती में खिलाड़ियों को 12 मिनट का समय दिया जाता है, जो हिस्सों में बटा होता है। सीटी बजते ही कुश्ती प्रारंभ हो जाती है। 6 मिनट की कुश्ती के बाद निर्णायक अपने अंकों को देखकर बताते हैं कि लाल जीत रहा है या हरा। विजयी को उस समय तक अपने प्रतिद्वंदी से कम 3 अंक अधिक प्राप्त होना चाहिए। शेष 6 मिनट में खड़ी या भूमि की कुश्ती होगी। इसका निर्णय विजयी की इच्छा पर निर्भर करता है। ओलंपिक में भारतीय पहलवानों के पहचान बनाने और मेडल लाने में गांव के इन अखाड़ों और कुश्ती प्रतियोगिताओं का खासा योगदान है। आज जब मिट्टी की कुश्ती ने मेट यानी गद्दे की कुश्ती का रूप ले लिया है, तब भी भारत में अखाड़ों की ये परंपरा बरकरार है। जो पहलवान अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेट पर कुश्ती लड़ते हैं, वो भी भारत के गांव में होने वाली इन मिट्टी की कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जरूर पहुंचते हैं। भारत के पहलवानों ने 1920 में पहली बार पेरिस में हुए ओलंपिक में हिस्सा लिया था। उसमें भाग लेने वाले पहलवान थे महाराष्ट्र के नावले और बड़ौदा के शिंदे। 1948 से भारतीय पहलवान नियमित रूप से ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद तो प्रत्येक ओलंपिक में भारतीय पहलवान बराबर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय पहलवान विश्व कुश्ती प्रतियोगिता, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडलीय खेलों में भी हिस्सा लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। कुश्ती का खेल जितना देखने में आसान और रोचक लगता है, ये उतना ही मुश्किल और तकनीक भी है। एक पहलवान के लिए सिर्फ ताकत और शारीरिक आकार ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे फुर्ती और धैर्य के साथ ही अपने प्रतिद्वंदी पहलवान का मन भी पढ़ना पड़ता है और फिर मौका लगते ही सही दांव लगाना पड़ता है। इस तरह कुश्ती के दांव पेच असल जिंदगी के दांव पेचों से कम नहीं होते। कुश्ती आपको जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना भी सिखाती है।
हम आपको बताते हैं कुश्ती के दांव, जिनके दम पर आप ताकतवर पहलवानों को भी पटखनी दे सकते हैं। निकाल दांव, भारत के गांव देहातों में होने वाले दंगलों में इस दांव को बेहद पसंद किया जाता है। इस दांव के महारथी पहलवान सिर्फ इस एक दांव के बल पर अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर देते हैं। इस दांव में पहलवान अचानक झुककर अपने प्रतिद्वंदी की टांगों के बीच में निकल जाता है और उसे कंधों से उठाकर जमीन पर पटक देता है। लेकिन एक भारी पहलवान के विरुद्ध इस दांव को लगाना बेहद कठिन हो जाता है। कला जंग दांव, दिन में तारे दिखा सकने वाले इस दांव के लिए बेहद ताकत और फुर्ती की जरूरत होती है। एक विरोध करते प्रतिद्वंदी पर इसे लगाना काफी मुश्किल है। इस दांव में पहलवान अपने विरोधी को उसके पेट के बल अपने कंधों पर उठा लेता है और फिर इसे पीठ के बल पटकता है। ये भारत का एक प्राचीन दांव है, जांघिया दांव। इस दांव में पहलवान पहले एक दूसरे से भिड़ते हैं और फिर दोनों एक दूसरे का जांघिया कसकर पकड़ लेते हैं। जो व्यक्ति पहले अपने विरोधी के पैर जमीन से उठाकर उसे पटक देता है, वो विजयी हो जाता है। इस दांव में जबरदस्त ताकत और संतुलन की जरूरत होती है। साथ ही इसे ओलंपिक या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस्तेमाल नहीं किया जाता। टंगी या ईरानी दांव, इस दांव में अक्सर बड़े पहलवान को फायदा मिलता है क्योंकि हल्के पहलवान को उठाना आसान हो जाता है। सांडी तोड़ और बगल डूब, ये कुश्ती का एक जबरदस्त दांव है। सांडी तोड़ना यानी हाथ मरोड़ देना और विरोधी पहलवान के बगल के नीचे से निकल जाना, इस तरह विरोधी पहलवान को परास्त किया जाता है।